हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रीना और आप सबका स्वागत है शिवाई किचन में। आज मैंने बनाए हैं सौराष्ट्र के फेमस ये लासा लड्डू, लीसा लड्डू बनाए हैं। सौराष्ट्र में जो भी प्रसंग होता है उसमें ये लड्डू ज़रूर पीसे जाते हैं और इस लड्डू अभी आजकल थोड़े से लुप्त होते जा रहे हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना बने इतना शेयर कीजिए और इस रेसिपी को भी बनाइए, क्योंकि ये ट्रेडिशनल रेसिपी है और ये लुप्त होने लगी है, तो इसे हमें जीवंत रखना है। एक बार घर पे ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलो हम अब इस लासा लड्डू और ये सौराष्ट्र स्पेशल लड्डू बनाने की शुरुआत करते हैं। लासा लाडू और लीसा लाडू बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 500 ग्राम बेसन ले लिया है, चना का लोट। अब इसके अंदर मैं ऐड कर देती हूँ 2 बड़े चम्मच देसी घी। 2 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पे ले लिया है देसी घी और अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर लम्स नहीं रहने चाहिए। अब मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालती जाऊँगी और इसका हमें आटा बनाना है, लेकिन भाखरी का जैसे कैसे टाइट आटा होता है ऐसे हमें टाइट ही रखना है, एकदम टाइट आटा रखना है। तो थोड़ा थोड़ा मैं पानी ऐड करती जाऊंगी और आटे को मैं ऐसे गूंथती जाऊंगी। आप देख सकते हो कि मैंने कैसा एकदम टाइट आटा बनाया है, आपको ऐसा ही रखना है। और थोड़ा सा उसको हम अभी अच्छे से मसाज कर लेंगे, मसल लेंगे और उसे थोड़ा सा स्मूद कर लेंगे हाथों की मदद से ही। अब ये हमारा आटा बन गया है। अब इसमें से हम छोटे छोटे ऐसे लुए बनाएंगे, इसे मुठिया बोलते हैं, और इस तरह से हम कर लेंगे। पतला सा रखना है ताकि अंदर से ये कच्चा ना रहे, इसलिए ये देख रहे हो कि ये मुठिया आपको दिख रहा है, इस तरह से आपको पतला ही कर लेना है। तो इसी तरह से मैं आपको दूसरा भी दिखा रही हूँ, ऐसे बना लेंगे, ऐसे हम सारे बना लेंगे। मैंने यहाँ पे ऐसी एक गोल राउंड पैन ले ली है, उसके अंदर मैंने रख दिया है तेल और तेल भी गर्म हो गया है। और अब इसके अंदर हमने जो लुआ बनाया है, जो मुठिया बनाया है, वो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपका जो तेल है वो मीडियम आँच पे ही होना चाहिए और एक एक करके हम इसमें ऐड कर देंगे। अगर आपका तेल बहुत फास्ट होगा तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और आपको कच्चे बिल्कुल भी अंदर से रखने नहीं है और आपको इसे ब्राउन भी बिल्कुल नहीं करना है। तो आप ध्यान रखिए कि आपका गैस मीडियम आंच पे ही हो। अभी जो ये हमारे मुठिया है वो ऑलमोस्ट होने को आ गए हैं, आप देख सकते हो कि ये पक गया है। इसे हमें बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है वरना हमारे जो लड्डू का कलर है वो भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब ये मुठिया फ्राई होके तैयार है, इसे मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ और इसी तरह दूसरे मुठिया जो मैंने इस लुए बनाए हैं उसे भी इस तरह से ही मैं फ्राई कर लेती हूँ। अब इस तरह से मैंने सारे मुठिये को तल लिए हैं, आप देख सकते हो किसी को भी मैंने ब्राउन नहीं होने दिया है। और इसे मैं ऐसे तोड़ लेती हूँ और बाद में इसे मिक्सी जार में डाल के हम अच्छे से इसे ग्राइंड कर लेंगे। अब मैंने सारे मुठिया के ऐसे टुकड़े कर लिए हैं, अब मैं एक मिक्सी जार ले लेती हूँ। अब मैंने एक मिक्सी जार ले लिया है, अब इसके अंदर ये सारे टुकड़े मैं ऐड कर दूंगी और इसे मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। मैंने अभी सारे मुठिये को मिक्सर जार में ग्राइंड कर लिया और इस तरह से ये ग्राइंड हो गया है। और अब हम इसे जो गेहूं की छन्नी आती है इसे छान लेंगे। यहाँ पे मैंने दूसरी एक पैन ले ली है, उसके ऊपर मैंने यहाँ पे जो गेहूं की छन्नी आती है वो ही रख ली है। अब मैं ये जो आटा है, एक टाइप का आटा ही हो गया, इसे मैं छन्नी से छान लेती हूँ। इसी तरह से हम पूरा आटा जो है वो इसी तरह हम छान लेंगे। सारे आटे को छान लिया है, अब इसे हम थोड़ी देर साइड पे रख लेते हैं और अब हम बनाएंगे चाशनी जो शक्कर में से बनेगी। तो चलो चाशनी बनाना शुरू कर लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 600 ग्राम शक्कर ली है, 600 ग्राम जो शुगर है वो ली है। अगर आप 500 ग्राम बेसन लेते हो तो उसके सामने आपको 600 ग्राम शक्कर लेनी है। आप कम ज़्यादा कर सकते हो लेकिन फिर आपको चाशनी में इस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। और अब मैं इसके अंदर ऐड करती हूँ पानी। यहाँ पे मैं पानी लेती हूँ 1 ग्लास। करीबन आपने देखा कि ये जो शक्कर हमने डाली है वो अच्छी तरह से डूब गई, इतना पानी डाला है।
220 मतलब 220 ml जितना मैंने यहाँ पे पानी ऐड किया है। और गैस को मैं मध्यम आंच पे रखती हूँ। हमें डेढ़ तार की इसकी चाशनी बनानी है। तो अब आप देख सकते हो कि इसके अंदर बबल्स आने लगे हैं। थोड़ी देर इसे और पकने देंगे हम। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे हम इसे चेक करेंगे इस चाशनी को। तो यहाँ पे मैं एक स्पून के अंदर ऐसी बाउल के अंदर एक ले लेती हूँ और इसे थोड़ा सा हल्का सा ठंडा होने देंगे। तो मैं आपको बताती हूँ, देखो अभी ये एक तार हो रहा है, मतलब हमें डेढ़ तार करना है। तो अभी भी थोड़ी हमें इसे पकानी पड़ेगी। अब यहाँ पे मैं फिर से एक बार ले लेती हूँ ये चाशनी और मैं अभी गैस को बंद कर देती हूँ। अब ये हमारी चाशनी बनके तैयार है। गैस को मैंने ऑलरेडी बंद कर दिया है और इस गरम गरम चाशनी को हम ऐड कर देंगे आटा हमने जो बनाया है फ्राई करके इसी में। अब मैं इसके अंदर ये चाशनी को ऐड कर रही हूँ और अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। क्योंकि आपकी जो लड्डू की क्वालिटी है वो आपकी चाशनी के ऊपर ही जाती है। अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है और इसे मैं 2 घंटे तक अभी ठंडा होने के लिए रख दूंगी। बाद में हम इसके लड्डू बनाएंगे। यहाँ पे ये ठंडा हो गया है, आप देख रहे हो कि ये ठंडा होने के बाद इस तरह से ये गाढ़ा हो गया है। तो आपको भी ऐसे इसे रहने देना है ताकि जब आप लड्डू बनाओगे तो वो फटेगा नहीं, इसलिए उसको रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगे कि आपका ये बहुत हार्ड हो गया है तो आप इसके अंदर घी भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मेरा जो ये मिश्रण है एकदम सही है तो मुझे यहाँ पे घी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम एक साइज़ के बॉल्स बना लेंगे, लड्डू बना लेंगे। तो आप देख सकते हो कि कितना अच्छे से बना है। तो इस तरह से हमें बना लेना है। अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप क्या कीजिए, आपके जो हाथ है उसके ऊपर घी भी लगा लीजिए थोड़ा सा। तो मैंने यहाँ पे मेरे हाथों पे घी लगा लिया है और इस तरह से मैं इसे छोटे छोटे लड्डू बना रही हूँ और हाथों से अच्छे से शेप दे देंगे। इसे बोलते हैं लासा लड्डू, मतलब आप देख सकते हो उसकी जो सरफेस है एकदम स्मूथ होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कहीं पे भी ये फट नहीं रहा है, मतलब ये एग्जैक्ट सही तरीके से ये लड्डू बना है। तो आप भी यही माप से बनाओगे तो आपके लड्डू भी ऐसे ही बनेंगे। तो इसी तरह मैं दूसरा भी बना लेती हूँ और आपको बीच में ऐसा ज़रूरत लगे तो आप और भी घी वाला हाथ करके कर सकते हो। मैंने ये दूसरा लड्डू भी बना लिया है, आप देख सकते हो उसके अंदर कितनी शाइन आ रही है। तो इसी तरह मैं सारे लड्डू को बना लेती हूँ और फिर हम प्लेटिंग करेंगे इसकी। अब सारे लड्डू मैंने बना लिए और उसकी प्लेटिंग भी मैंने यहाँ पे कर ली। आप देख सकते हो कितने अच्छे लड्डू बने हैं, वो भी इतने गिने चुने इंग्रेडिएंट्स से। तो आप भी इस लड्डू को ज़रूर घर पे बनाइए और यस, इसकी इंस्ट्रक्शन है उसे स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए ताकि आपके लड्डू भी एग्जैक्टली ऐसे ही बनेंगे। तो ऐसी ही रेसिपी देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।